Hey everyone, this is Shazli. Welcome to Zoom Commerce. So, we are discussing our commerce and management related mock. So, today we will discuss some further questions. We will discuss our NTA UGC NET examination, which is our upcoming examination. We will cover some MCQs related to it. एक्सप्लेनेशन कवर अप करेंगे तो मैं आपके सामने एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करूंगी, आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगी सॉल्व करने के लिए. उसके बाद में मैं उसका सलूशन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी, जिसके बाद में आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही था या आपका आंसर गलत है. तो ये एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए यूजफुल रहने वाली है. स्टार्ट करेंगे विदाउट फर्दर डिले हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को. सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई MRTP Act 1969 was replaced. बोल रहा है कि क्यों replace किया MRTP Act को. Option number A, business cartel forced. Option number B, ineffective. Option number B, promoting monopoly. या फिर option number D, none of the above. आपके पास 10 seconds हैं to answer this particular question. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन इफेक्टिव. देखो यार, बिजनेस कार्टल जो था ना, जो कार्टल्स फॉर्म हुए थे वो हमारे कौन से वाले उसके अंदर फॉर्म हुए थे, हमारे कंपटीशन एक्ट के अंदर फॉर्म हुए थे. प्रमोट नहीं करती थी. एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मोनोपलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एज, यानी रिस्ट्रिक्ट कर रहा था मोनोपली को, तो प्रमोट तो बिल्कुल नहीं कर सकता. ए और बी मैं सीधे सीधे कैंसिल आउट कर सकती हूँ. और अगर ये एक्ट आपका इफेक्टिव होता तो बिल्कुल रिप्लेस ही ना किया गया होता. तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग फेमा इज वेस्टेड विद दी. ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. या फिर ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट इन अ बैंक. अभी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है अगर, तो कहाँ पे वेस्ट करेगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आंसर करो जल्दी से, फिर देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. एडमिनिस्टर करने का मतलब सारी चीज़ें देखना कि क्या चीज़ कैसे चल रही है, सही चल रही है या नहीं सही चल रही है, वो सारी चीज़ें. कौन करता था ये सारी चीज़ें आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता था. फेरा आपका आंसर हो नहीं सकता, ना ही कोई डीलर एसोसिएशन ये काम कर सकती. भाई फेमा को एडमिनिस्टर डीलर एसोसिएशन तो नहीं कर सकती, और फेमा को एडमिनिस्टर एक किसी बैंक का डिपार्टमेंट कर सकता है क्या? नहीं, ये तो सीधे आंसर कैंसिल आउट कर सकते थे. केवल एक ही जेन्युइन आंसर दिख रहा था यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन. लियोंटिफ पैराडॉक्स स्टेटेड दैट. ऑप्शन नंबर ए, USA's exports were labor intensive and imports were capital intensive. Option number B, USA's export and imports both were labor intensive. Option number C, USA's exports and import both were capital intensive. या फिर option number D, USA's exports were capital intensive and imports were labor intensive. अभी सबसे पहली चीज आंसर करो आप लोग, लियोंटिफ ने क्रिटिसाइज किया था एचओ की थ्योरी को. हेक्शर ऑलिन ने बोला था कि जो कंट्री कैपिटल अबंडेंट है, यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है जैसे यूएसए, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करेगी, और जिस कंट्री के पास में लेबर ज़्यादा है, यानी कि जो लेबर अबंडेंट कंट्री है मेरी, जैसे मेरी इंडिया, ये लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करेगी. ये बोला एचओ की थ्योरी ने. लियोंटिफ ने क्या किया, लियोंटिफ ने एक स्टडी किया जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि भाई एक्चुअल में तो उल्टा हो रहा है. एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो यूएसए था वो लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा था. तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई एक्चुअल में उल्टा हो रहा है. तो इन्होंने क्या स्टेट किया था, यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है लेबर इंटेंसिव और इम्पोर्ट कर रहा था कैपिटल इंटेंसिव. ये क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारा जो लेबर है ये भी कई कैटेगरीज का होता है, जो कि एचओ ने लेबर को एक ही तरीके का मान लिया. भाई इंडिया में जो लेबर है ना वो अनस्किल्ड होगा मेजर,
लेकिन अगर यूएसए में लेबर कम भी है तो क्या वो स्किल्ड होगा? ये डिफरेंस आ रहा था जो कि एचओ ने नहीं देखा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड पॉलिसीज लिमिट्स स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड एट वन टैरिफ रेट? कोटा, इंपोर्ट टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ या फिर ऑल ऑफ द अबव? अगर जनरल वाला लॉजिक लगाओगे ना तब भी आंसर आएगा। जहाँ पे लिमिट कर रहे हैं हम लोग स्पेसिफाइड क्वांटिटी, किसी भी स्पेसिफाइड चीज़ को जब हम लोग लिमिट कर रहे हैं कि इतना ही आएगा इतना ही आएगा, वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग? ऑल ऑफ द अबव आंसर मत देना। 99% केसेस में होता है ऑल ऑफ द अबव आंसर, यहाँ पे नहीं था। कोटा आपका करेक्ट आंसर। जब भी हम कोटा सेट करते हैं ना तो वहाँ पे हम जो हमारी क्वांटिटी होती है ना उसको लिमिट कर देते हैं। यार हमारा एजुकेशन सिस्टम या कहीं पे अगर कोटा है तो क्या बोलते हैं कि दो सीट्स अनरिजर्व्ड की हैं, एक सीट रिजर्व की है इसकी इसकी, तो यहाँ पे लिमिट ही तो कर रहे हैं, यहाँ पे वही तो कोटा है ना मेरा। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो अ कंट्री विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंडस्ट्रीज इन विच देयर आर नीदर इम्पोर्ट्स नॉर एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रीज दैट सेल टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर्स। ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रीज दैट सेल टू ओनली फॉरेन बायर्स। एक कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज आखिर कब होगा? ए बी सी या डी? जब वो दोनों को सेल कर रही होगी, दो ही को दे देखा था ना कि यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतने की कॉस्ट आ रही है, वहाँ पे भेजेंगे तो कितना कितना कंपैरेटिव कॉस्ट, तभी तो हम करेंगे ना। तो अगर देखो यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों नहीं कर रही तो अपने से मतलब ही क्या? खाली इंपोर्ट वाली से अगर कम्पीट कर रही है इसका मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। केवल अगर फॉरेन बायर्स को सेल कर रही है इसका मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही नहीं है उसका। वहाँ पर तो हम दो गुड्स का कंपैरिजन देखते हैं ना कि किसको एक्सपोर्ट करेंगे किसको इंपोर्ट करेंगे। तो जब तक डोमेस्टिक बायर नहीं होगी तब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे, और जब तक फॉरेन बायर्स नहीं होंगे तब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोनों होने ज़रूरी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल ट्रेड इज मोस्ट लाइकली टू जनरेट शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज इन विच देयर आर नीदर इम्पोर्ट्स नॉर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज दैट सेल टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर्स, इंडस्ट्रीज दैट सेल टू ओनली फॉरेन बायर्स। शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, देखो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, इसका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने का मतलब बाहर से कंट्री यहाँ आ रही है, यहाँ से कंट्री बाहर जा रही है, तो किस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है? तीनों चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो, देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। देखो जो कंट्री इंपोर्ट से कंपीट कर रही है इसका मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही है ना, तो इसका मतलब इसको इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट तो कोई नहीं होने वाला, इसको नुकसान ही नुकसान होगा क्योंकि इंपोर्ट आने लग जाएगा बहुत सारा फॉरेन ट्रेड की वजह से, और जैसे ही इम्पोर्ट बहुत सारा आ जाएगा तो ये इम्पोर्ट कम्पीट करते करते ही नीचे आ जाएगी, तो बहुत सारे लोगों को इसको हटाना पड़ेगा अपने पास से, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अगर दोनों को कर रही होगी या केवल फॉरेन बायर्स को कर रही है, इनको तो फायदा ही होगा, और जो दोनों ही नहीं कर रही है, नहीं जो कम्पीट कर रही है ना उसको अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज Which of the following is not a reason why countries trade? Comparative cost advantage की थ्योरी के हिसाब से इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है कि कंट्रीज ट्रेड करती हैं? नॉट अ रीज़न की बात कर रहा है। कॉस्ट आर हायर इन वन कंट्री दैन इन अनदर, प्राइसेज आर लोअर इन वन कंट्री दैन इन अनदर, द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिफर्स अक्रॉस कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट गिव्स अ कंट्री अ पॉलिटिकल एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज देन एक्सपोर्ट लेस। इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है भाई जब हम लोग ट्रेड करते हैं? ट्रेड क्या होता है ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, तो कौन सा रीज़न नहीं है अगर मैं बात करूँ?
यार पॉलिटिकल एडवांटेज जैसी कोई बात नहीं करी थी। देखो एक्चुअल में हो सकता है, एक्चुअल में हो सकता है कि हाँ भाई हम लोग ट्रेड करते हैं जब पॉलिटिकल एडवांटेज हो, या ऐसा हो सकता है एक्चुअल में, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन इनकी थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी में तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो थ्योरी में लिखा है एग्जैक्ट वही मानेंगे, अपने आप से कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो थ्योरी में पॉलिटिकल एडवांटेज जैसा कोई वर्ड नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपीईसी? ईरान, कुवैत, ब्राज़ील या वेनेजुएला? ओपीईसी कंट्री मेरी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, ठीक है, वो मेरी ओपीईसी कंट्री। अब आपको आंसर देख लेते हैं कि कौन सी है, क्या आंसर है। इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपीईसी। ब्राजील नहीं है, देखो यार ब्राजील में तेल के कुएं ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। आगे आ जाते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूरो जोन्स? 10, 17, 19, 23। अभी देखो यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज ने यूरो को अपनी करेंसी चुना, ठीक है, उन कंट्रीज वो कितनी, उनको हमने बोला ये यूरो जोन कंट्रीज है, ठीक है, उन कंट्रीज का जो ग्रुप है वो है यूरो जोन। यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरो को एज अ करेंसी चुना, तो कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं आपकी? 19 नंबर ऑफ कंट्रीज। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ IMF? टू एंश्योर अ स्टेबल एक्सचेंज रेट रेजिम एंड प्रोवाइड इमरजेंसी असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग क्राइसिस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, टू बी अ फोरम फॉर ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन, टू असिस्ट कंट्रीज इन डेवलपमेंट, टू फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड। यार IMF का रोल सीधा सा एकदम क्लियर रोल है आपका, इसमें तो दिक्कत ही नहीं होगी क्वेश्चन में, क्योंकि BOP क्राइसिस से रिलेट करता है मेरा IMF, तो आग बंद करके आपने ये आंसर मार्क कर दिया होगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रेड वगैरह से तो IMF का नहीं है, BOP इक्विलिब्रियम से है। लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवरी मेंबर कंट्री ऑफ IMF ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर कंट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक हैज़ 45 फाउंडर मेंबर्स, ऑप्शन नंबर सी इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी IMF इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देखो यार हम लोग तो पार्ट है IMF, सॉरी इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ये बोल रहा है, IMF जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पाँच आते हैं, लिख दो यहाँ पे कौन कौन सी पाँच है मेरे पास में। IBRD है, MIGA है अपने पास में, IFC है अपने पास, IDA है एंड ICSID, पांच विंग्स हैं। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो देखो जब भी कंट्री एक IMF की मेंबर बनती है तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की मेंबर बन जाती है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। IMF की मेंबर बनी, किसकी मेंबर बनेगी? वर्ल्ड बैंक की। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास ऑन MCQs रिलेटेड टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय गाइज।